हेलो क्लास 11, आपने 9.1 का 11th और 14th क्वेश्चन पूछा था, तो वो आपका 11th क्वेश्चन है। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। 5 पद लिखने हैं, संगत श्रेणी बनाए। तो जिसके लिए आपको पहला A1 दिया है 3, An यानी nवा पद दिया है 3An-2 1+2 फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखे यहाँ पर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी n का मान हमने 1 नहीं रखना है। 5 पद निकालने हैं जिसमें से पहला पद तो आपको दिया ही है, तो 1 n की जगह 1 तो नहीं रखना है, तो हम रखेंगे 2, 3, 4, 5। तो हमने an में n की जगह 2 रखा, तो यहाँ क्या बनेगा, a2 = 3, 2-1+2, तो ये बन जाएगा आपका 3a1+2। तो इसको हम अब a1 की वैल्यू आपको देखिए 3, 3 × 3+2, यहाँ से क्या हो गया 11। तो अब आपको पहला पद a1 पता चल गया, a2 पता चल गया, फिर आप n की जगह 3 रख देंगे, उससे हम यहाँ पर 3a2+2 आएगा, तो a2 की वैल्यू यहाँ से 11 रखेंगे, तीसरा पद पता चल जाएगा, ऐसी चौथा n की जगह 4 रखेंगे, फिर n की जगह हम 5 रख के उसका पांचवा पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसकी ये तो आपकी सीरीज हो गई। तो इसका अनुक्रम बताना है, तो अतः अनुक्रम के प्रथम पांच पद ये हो गए। अब इसमें आपको संगत श्रेणी भी लिखनी है, तो संगत श्रेणी, संगत अनुक्रम में हम कॉमा लगा के लिखते हैं, तो श्रेणी में हम प्लस में लिखते हैं, तो क्या बनेगा, 3+11+35+107+323। बस ये आपकी श्रेणी बन गई। फिर इसी में आपने 14 तो पूछा था, फेबोनिक अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। फेबोनिक सीरीज होती क्या है, पहले ये देखिए, फेबोनिक सीरीज हमेशा आप ध्यान रखना 0 और 1 से स्टार्ट होती है। 0 और 1 तो स्टार्टिंग के टर्म आएंगे, उसके बाद वाला टर्म हमेशा अपने पहले पद में जोड़ के आता है, यानी 1+0 1, 1+1 2, 2+1 3। तो ये आपकी होती है फेबोनिक सीरीज। ठीक है, यानी पहले दो टर्म आपके 0 होंगे 0 और 1 होंगे, और कहीं कहीं पर 0 नहीं लिखा होता है तो हम वहाँ पर 1 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब वो भी आपकी फेबोनिक सीरीज है। तो हमको यहाँ पर पहले ही a1 = a2 आपको दिया है, 1 दे रखा है इसमें, तो हमने यहाँ पर 1 ये आपको दिया है क्वेश्चन में, a1 = a2 = 1। उसके बाद an = an-1+an-2, ये n वा पद दिया है और n की वैल्यू 2 से बड़ी दी है। इनमें से हमने पद ज्ञात करके हैं, फिर एक सीरीज निकालनी है an+1 / an, यानी फेबोनिक सीरीज का प्रयोग करके हमने सीरीज an+1 / an की निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारा वहाँ पर आएगा an+1 / an, और जिसके लिए n का लास्ट मान 5 दिया हुआ है, तो अगर हम 5 रखते तो a6 / a5 आएगा, इसका मतलब हमें लास्ट पद यहाँ पर a6 चाहिए, तो हम n की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 3, 4, 5 और 6 तक रखेंगे। ठीक है, तो अब आपका पता चल जाएगा, यहाँ से पहले हमने n की वैल्यू 3 रखी इसमें, तो हमने यहाँ पर a3 = 3-1 a2+a1 और a2 की वैल्यू हमें 1 दी थी, तो 1+1 2, फिर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो a4 निकल जाएगा। ऐसे ही हमने n की वैल्यू यहाँ पर 5 रखी, फिर 6 रखी। ठीक है, अब इन फेबोनिक सीरीज के का यूज़ करके आपने यारी सीरीज निकालनी है, तो इसके लिए हमने n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 तक रखने, किस में, an+1 में 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, a2+1/a1, तो a2 की वैल्यू 1 दी थी क्वेश्चन में, a1 की वैल्यू भी 1, 1/1 = 1, n = 2 रखा तो a3/a2 = 2/1 2, जो वैल्यू यहाँ से निकाली उन्हीं को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इस प्रकार आपको ये अनुक्रम मिलेगा। इनको देखिए, नहीं आता जहाँ पर, फिर से आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं।